हेलो दोस्तों, तो आज हमारा पावर इलेक्ट्रिकल पावर 1 है, चैप्टर फर्स्ट है। इसमें हम पांच टॉपिक को कवर करेंगे। पहला टॉपिक है थर्मल और स्टीम पावर स्टेशन, दूसरा है हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन, तीसरा है गैस टर्बाइन पावर स्टेशन और चौथा है डीजल इलेक्ट्रिकल स्टेशन, पाँचवा है न्यूक्लियस पावर स्टेशन। तो पहले हम पहला देख लेते हैं। पहले में क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास वाटर होता है, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करके, फ्यूल की मदद से स्टीम में कन्वर्ट करके उसे टर्बाइन को घुमाते हैं। ओवरव्यू आप अगर इसका डायग्राम देखोगे तो मैं डायग्राम से आप इजीली समझ पाओगे। इसमें क्या आपने क्या किया, कोल लिया, कोल को बर्न किया, कोल को बर्न करने के बाद क्या, ये जो वाटर वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया और उससे जाके उसने टर्बाइन को घुमाया। टर्बाइन जनरेटर से कनेक्ट है, जनरेटर से कनेक्ट होने के कारण क्या, जनरेटर हमें डीसी पर एसी प्रोवाइड करेगी। और ये क्या, ये जो वाटर है, वाटर नीचे दोबारा कंडेंसर में आके फिर वाटर स्टोरेज टैंक में चला जाएगा, उसके बाद फिर फीडर की मदद से, पंप की मदद से वो फिर एक साइकिल की तरह वर्क करेगा। जो कूलिंग टावर ये क्या करता है, वाटर के टेम्परेचर को डिक्रीज करता है, यानी वाटर को कूल करता है। ओके, उसके बाद यहाँ क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ कॉपर, ये जो कोल है, वो जो कोल जल रहा है, बर्न हो रहा है, तो उससे कुछ गैसेस निकलेंगे, जो गैसेस चिमनी के थ्रू बाहर चले जाएंगे। ओके, ये पूरा जो मेथड कहलाता है वो स्टीम पावर स्टेशन कहलाता है, स्टीम पावर स्टेशन व्यू। और ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसका जो डायग्राम है ये हमारे सिलेबस में है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और प्लीज़ इसे एक बार कॉपी में ड्रॉ कर लेना, तभी आप इसे समझ पाओगे। नॉर्मली कुछ नहीं करते हैं, इससे क्या है, ये इसे हीटअप कर रहे हैं, इसे हीटअप करने के कारण टर्बाइन जल रहा है और ये फिर साल के लिए गोल रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही है। अगर आप इसे देखो तो कुछ आपको ऐसा दूर से दिखाई देगा, देखने में फीचर तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा है पार्ट ऑफ स्टीम पावर स्टेशन। ओके, तो इसमें कुछ नहीं है, आपको क्या करते हैं, वाटर को गर्म किया जाता है, वाटर गर्म करने के बाद क्या होता है, वो टर्बाइन को घुमाता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है इजीली। ओके, और आगे देख लेते हैं। अब आते हैं तो कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के ऊपर ध्यान देते हैं। ठीक है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है इनका, वो भी देख लेते हैं। तो एडवांटेज की बात करते हैं, तो एडवांटेज क्या होता है इनका, एडवांटेज क्या है, लेस इंटील कॉस्ट, यानी जो आपका जो कॉस्ट है वो क्या होता है, कम होता है कंपेयर टू अदर जनरेटिंग स्टेशन। यानी जो आपका कॉस्ट है वो क्या लग रहा है, लेस लग रहा है, मतलब कम खर्चा लग रहा है आपको इसे इंस्टॉलिंग कराने में। ठीक है, और उसके बाद क्या है, इट इज़ रिक्वायर्ड लेस हैंड द पावर कंपेयर टू हाइड्रो प्लांट। इसमें क्या, जो वाटर होता है वो कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, क्या होती है, कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, द फ्यूल इज चीपर, यानी आप कोल यूज कर रहे हो, कोल का जो प्राइस है वो क्या होता है, सस्ता होता है। ओके, तो ये कुछ फायदे हैं, द कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग लेस देन द अदर डीजल पावर स्टेशन, ये क्या है, अदर स्टेशन से सस्ता पड़ता है। ओके, ये कुछ फायदे नहीं, याद कर लेना। उसके बाद कुछ डिसएडवांटेज क्या है, ये पोल्यूशन को क्रिएट करता है, क्योंकि इसमें कार्बन यूज किया जाता है, कोल यूज किया जाए तो कोल क्या करता है, प्रदूषण जनरेट करता है। ठीक है, और क्या, ओवरऑल इफिशेंसी इज लेस, जो इफिशेंसी ओवरऑल क्या है, लेस है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। इसमें आपने ये जो पॉइंट है वो याद कर लेना, फ़ायदा क्या है कि जो कॉस्ट है, इंटीरियल कॉस्ट है वो लो होता है, और क्या करता है कि लेस वाटर रिक्वायर्ड होता है, और जो फ्यूल होता है वो सस्ता होता है, और जो जनरेटिंग लेस देन अदर डीजल प्लांट, और जो कॉस्ट होता है वो कम होता है अदर प्लांट के थ्रू, मतलब कंपेयर करते हैं अदर। डिसएडवांटेज क्या, प्रदूषण फैलाता है, इफिशेंसी लो होती है। ओके, उसका सिलेक्शन ऑफ साइट, अगर आप किस कहीं पे स्टीम पावर स्टेशन को इंस्टॉल कर रहे हो तो आप क्या क्या देखोगे वहाँ पे। ठीक है, तो पहला क्या देखोगे, परमिशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर और लोड सेंटर, मतलब कि नियर में किन लोगों को हम कंज्यूम, मतलब कितने कस्टमर है वहाँ पे, कितने लोगों को हम लोड डिवाइड कर सकते हैं। एक्टिव कूलिंग वाटर मस्ट बी अवेलेबल एट दिस साइट, और हमें वहाँ पे वाटर अवेलेबल होना चाहिए उस, मतलब उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, ठंडा करने के लिए, ठीक है, कूलिंग के लिए। ठीक है, द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऑफ फ्यूल मस्ट बी अवेलेबल एट द साइट, और जो ट्रांसपोर्ट है, मतलब जो कोल को लाना ले जाना आसान हो, सड़कें होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कहीं भी अपनी मर्जी से कोई भी स्टेशन खोल के बैठ जाओ, तो इन चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। इफिशेंसी एंड
चीप अरेंजमेंट फॉर डिस्पोजल ऑफ द अस्क, जो हमारे पास अस्क बचता है यानी जो हम कोयले को यूज कर रहे हैं तो अस्क उसका बचेगा, तो उसे इजिली हम क्या कर सकते हैं, डिस्पोजल यानी ख़त्म कर किया जा सकता है। और चीप अरेंजमेंट होना चाहिए यानी आसानी से वो अरेंज कर लेना चाहिए, ये नहीं कि हमें बहुत दूर से मंगवाना पड़े तो बहुत दिक्कत आ जाएगी उसके लिए भी। ओके, तो इन पॉइंट पर आप ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में क्या होता है, यहाँ पे वाटर की हेल्प से क्या करते हैं, हम एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। ओके, तो कुछ पॉइंट आप इन्हें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को पॉज करके। तो इसमें क्या होता है, देखिए ये बाढ़ है, इस बाढ़ में क्या होता है, यहाँ पे बाढ़ से हम टर्बाइन को कनेक्ट कर देते हैं और वो टर्बाइन घूमता है। ठीक है, टर्बाइन घूमने के कारण क्या, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है जिसे हम यूज करते हैं। ठीक है, अब इस डायग्राम में आप देखिए, इस डायग्राम में क्या है कि ये डैम है। ठीक है, डैम बाढ़ जो भी हो, ये डैम है। डैम में क्या किया इन्होंने, इधर से एक वाटर फ्लो निकाला, इसे कहते हैं गेट वेल। गेट वेल क्या करता है, वाटर को रोकने का काम करता है। ठीक है, गेट वेल के बाद आता है पेन स्टॉक। पेन स्टॉक क्या करता है, वो जो लाइन है जो डैम से लेके टर्बाइन तक कनेक्ट होता है उसे कहते हैं पेन स्टॉक। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, नाम दो दो नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये रिवर है, रिवर के बाद डैम, डैम ने वाटर को रोक रखा है, उसके बाद आता है गेट वॉल क्या करता है, पानी को रोकने का काम करता है। उसके बाद पेन स्टॉक, जो पाइप होते हैं उसे पेन स्टॉक कहते हैं। यहाँ इसने क्या किया, टर्बाइन को घुमाया, टर्बाइन को घुमाने के साथ क्या किया, वो जनरेटर से कनेक्ट है तो जनरेटर भी घूमेगा, फिर जनरेटर हमें आउटपुट में एसी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, फिर ये जो वाटर है वो दूसरे तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्लांट में। आपको बस ये फिगर याद रखना है किस तरीके से क्या होता है, बस ये याद रखना, आपको कुछ नहीं, यहाँ से पानी आया, इसने इसे घुमाया, इसे घुमाने के बाद ये पानी इधर चला गया और हमें एनर्जी यहाँ से यहाँ मिली। ठीक है, इसे कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट। ओके, अब आगे देखते हैं। अब तक कंस्टिट्यूट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट। ठीक है, तो इसके भी कुछ फीचर देख लेते हैं। इट इज यूज टू द स्टोर वाटर ड्यूरिंग द रेन सीजन। और डैम यूज किया जाता है, आपको पता है डैम क्या करता है, पानी को रोकने का काम करता है स्प्लिट वे। तो कुछ पॉइंट है जो पढ़ने लायक है, आप इसे पढ़ सकते हो, अदरवाइज वैसे ही इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। पेन स्टॉक का काम क्या करता है, जो कि वाटर को टरबाइन तक लेके आता है उसे कहते हैं पेन स्टॉक। ठीक है, उसके बाद वाटर टरबाइन, जो वाटर को टरबाइन तक लेके आता है, वाटर टरबाइन पावर हाउस, जो पावर हाउस में क्या होता है कि जो हमारा जहाँ जनरेटिंग सिस्टम है, जो जनरेटिंग सिस्टम उसे कहते हैं पावर हाउस। ठीक है, और आगे देख लेते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज में क्या है, एडवांटेज द रनिंग कॉस्ट इज लेस। ये जो हाइड्रो पावर प्लांट है इसमें रनिंग कॉस्ट क्या होता है, लेस होता है, वेरी नीट एंड क्लीन, मतलब गंदगी होती नहीं है। क्या, इट इज लॉन्गर लाइफ, लॉन्ग लाइफ होती है। इट इज क्विक स्टार्टिंग, बहुत आसानी से स्टार्ट हो जाता है। हैव टू इरिस्टिंग पर्पस एंड ऑल्सो कंट्रोल फूड। सबसे अच्छी बात क्या है कि रनिंग कॉस्ट कम होती है, लो होती है, लेस होती है। नीड टू क्लीन, बहुत अच्छी बात है कि साफ़ सुथरा होता है, लॉन्गर लाइफ होती है, क्विक स्टार्ट होता है। तो कुछ एडवांटेज तो बहुत अच्छे हैं, डिसएडवांटेज में देख लेते हैं। इट इज हाई कैपिटल कॉस्ट, मतलब इसे इंस्टॉल करने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाता है, बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है। ठीक है, इट डिपेंड ऑन ड्रेन, और मतलब ये क्या है, रेन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि पानी की मात्रा ज़्यादा होगी तो स्पीड ज़्यादा होगा और टर्बाइन तेज़ी से घूमेगी। ठीक है, तो क्या रेन के ऊपर डिपेंड करता है। इट इज रिक्वायर हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, और क्या होता है कि ये समुद्र के पास बनेगा और हमें जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो बहुत दूर चाहिए, तो इसके कारण क्या, जो ट्रांसमिशन लाइन का कॉस्ट वो बहुत ज़्यादा हाई पड़ जाता है। ओके, अब उसके अलावा चूज ऑफ साइट। अब अगर आपको उस काम के लिए जगह को ढूंढना पड़ेगा तो आप कैसे ढूंढोगे। सफिशेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर इज अ सर्टेन हाइट, जो सफिशेंट मतलब हमें किस हाइट पे वाटर चाहिए, किस हाइट से वाटर चाहिए, किस प्रेशर से वाटर चाहिए वो देखेंगे हम। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देखेंगे कि हम एनर्जी को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं या नहीं, मतलब जो हमारे इंजीनियर्स हैं वो वहाँ पे पर्टिकुलर टाइम पे आ पाएंगे या नहीं। कहीं ये भी नहीं ना कि आप बिल्कुल ऐसी जगह ले लो जहाँ व्हीकल तक ना जा पाए, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए। पॉसिबिलिटी ऑफ स्टीम डिवीजन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड, और कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो कि हम कर सकें, जैसे स्टीम डिवीजर्स ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड, काम करते समय
कुछ फैसिलिटी होनी चाहिए। पॉसिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम स्टोर द वाटर एज लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट, कम से कम डैम बनाने में खर्चा है, ये नहीं कि आप पूरा लोड एक ही पे दे दो। द लैंड शुड बी चीप इन कॉस्ट एंड रॉक, जो जो आपको ज़मीन होना चाहिए, जो लैंड जमीन होनी चाहिए जहाँ पे आपको वो पावर प्लांट बनाना है, वो क्या होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। महंगा हो तो फिर तो जो चार्ज है वो बढ़ता जाएगा। ओके उसके बाद क्या है, नॉन कन्वेंशन सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशन सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा एनर्जी होता है जिसे हम रीयूज कर सकते हैं, लाइक टिडल एनर्जी हो गया, हाइड्रो एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ये सारे के सारे क्या नॉन कन्वेंशन एनर्जी सोर्सेस। एडवांटेज क्या है इनके, एडवांटेज क्या है, लॉन्ग लाइफ होता है, अवेलेबल, फ्री कॉस्ट, मतलब क्या है कि अगर आपने एक बार इसे कॉस्ट लगा दिया तो आपको क्या फ्री कॉस्ट में मिलेगा अप्रॉक्सीमेट, मेंटेनेंस कॉस्ट पे करना पड़ता है वो भी लो होता है, ठीक है। हैव उसके बाद क्या है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इन्वायरमेंट को किसी तरीके कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है, ठीक है। टू नॉट डिसिपेट नेचर एंड रिसोर्स, मतलब कुछ फ़ायदे क्या है कि सस्ता है, लो कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट लो है, लो लॉन्ग लाइफ है, बहुत अच्छी बात है ये सब। इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि इसे लार्ज एरिया रिक्वायर्ड होता है, कॉस्ट हाई होता है, इंटीरियर कॉस्ट हाई होता है, डिफ़िकल्ट टू ट्रांसपोर्ट होता है, और थोड़ा कभी कभी लार्ज एरिया रिक्वायर्ड के कारण क्या कॉस्ट भी ज़्यादा होता है, और इफिशेंसी लो होती है। सबसे बड़ी बात क्या है, इफिशेंसी लो होती है। ओके न्यूक्लियस पावर प्लांट क्या है, ये एक बहुत अच्छा एक पावर प्लांट है जो बहुत एनर्जी प्रोड्यूस करता है, लेकिन इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, इसलिए न्यूक्लियस पावर प्लांट का यूज कम से कम होता है इंडिया में, लेकिन ये अभी भी इन फ्यूचर ये यूज होगा, ठीक है। व्हाट इज द न्यूक्लियस एनर्जी, न्यूक्लियस एनर्जी क्या, जो न्यूक्लियस के फ्यूजन के कारण जो एनर्जी रिलीज होता है उसे न्यूक्लियस फ्यूजन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा यूरेनियम 235 है, यूरेनियम 235, उसमें हम एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं 235 में, तो क्या हो जाता है 236। जैसे ही ये अनबैलेंसिंग हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन जैसे इसमें ये अनबैलेंसिंग हो गया और इसने क्या कि इलेक्ट्रॉन को तोड़ना चालू कर दिया, तो फिर इससे क्या यहाँ एनर्जी इतनी रिलीज एनर्जी हो जाएगी कि उससे हम कई, मतलब उस एनर्जी से क्या कर सकते हैं, वाटर को हीट अप कर सकते हैं, स्टीम में कन्वर्ट कर सकते हैं, और स्टीम में कन्वर्ट करने के कारण बिल्कुल आपको पता है आगे क्या प्रोसेस होने वाला है। तो क्या होगा, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन दिया ये क्या हो गया, अनबैलेंसिंग हो गया, फिर इसने इलेक्ट्रॉन दिया, फिर किसी और के साथ जाएगा तो अनबैलेंसिंग हो जाए, फिर किसी और के साथ गया तो अनबैलेंसिंग हो जाए, किसी और के साथ अनबैलेंसिंग, इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। इतना एनर्जी रिलीज होगा कि इससे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, तो इस एनर्जी को हम क्या करते हैं, स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, इस मतलब क्या होता है कि ये जो एनर्जी यहाँ निकली, इस एनर्जी को हम क्या करेंगे, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेंगे, और उस स्टीम से क्या है हम टरबाइन को घुमाएंगे। देखिए यहाँ क्या, एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन से क्या हुआ कि ये अनबैलेंसिंग हो गया, 235 को दिया तो अनबैलेंसिंग हो गया, इसने क्या किया तोड़ा, फिर इतना तोड़ा कि यहाँ इतनी एनर्जी निकली कि उससे हमने क्या किया टरबाइन को, मतलब उस एनर्जी से हमने क्या किया वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया और उस स्टीम से हमने टरबाइन को घुमाया। ओके हाउ डज अ न्यूक्लियस पावर प्लांट वर्क, तो ये बिल्कुल ही नॉर्मली जैसे कि हमारा स्टीम पावर प्लांट होता है उसकी तरह वर्क करता है, ठीक है। प्रिंसिपल पार्ट में क्या होता है, कोर मोटरेशन कंट्रोल रोड कूलेंट एंड फ्यूल रेडिएशन, आपको मैं डायग्राम से समझाता हूँ इसमें क्या होता है। ये रॉड कंट्रोल रॉड क्या करता है कि जो जो हमारा फ्यूजन हो उस फ्यूजन को कंट्रोल करता है, यानी जो न्यूक्लियस फ्यूजन होता है उस फ्यूजन को कंट्रोल करने का काम होता है कंट्रोल रॉड का, ठीक है। ये जो स्टीम में कन्वर्ट करने का काम होता है, स्टीम में कन्वर्ट करने का काम है, देख रहे हो ये क्या है कि जो ये यहाँ से हीट अप जनरेट हो रही है, ये क्या कर रहा है, इसे हीट कर रहा है, वाटर को हीट कर रहा है। यहाँ से देखो होता क्या है, हमने इसमें वाटर डाला, इसमें वाटर इसमें गया, वाटर यहाँ से गया तो ये क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, गर्म होने के बाद टर्बाइन को घुमा रहा है। टर्बाइन किससे कनेक्ट है, अल्टरनेटर से, अल्टरनेटर हमें एसी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये जो टर्बाइन कनेक्ट है, ये टर्बाइन कनेक्ट है किससे, वाटर से, ये वाटर ये कूलेंट है, ये क्या करता है वाटर को कूल करता है, उसके बाद ये क्या करता है, मतलब ये एक प्रोसेस है, देख रहे हो यहाँ से पानी चला, ये ऐसे गया, ठीक है। और देखो ये क्या है, ये यहाँ पे विखंडन यानी फ्यूजन हो रहा है, यहाँ फ्यूजन होने के कारण हीट जनरेट हो रहा है, इस हीट जनरेट होने से पानी गर्म हो रहा है, पानी स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, टर्बाइन घुमा रहा है, टर्बाइन के कारण अल्टरनेटर घूम रहा तो हमें एनर्जी प्रोवाइड मिल रही है। तो नॉर्मली आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें दिमाग में डाल लो, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसा आपको फिगर में दिखा दे रहा है वैसे ही वर्क करता है। ओके तो इंडियन न्यूक्लियस एनर्जी क्या है, अभी
मतलब आपको पता है कि मैंने कहा कि इंडिया में इतनी अच्छी इसकी मतलब स्टॉलिंग नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आप जो डेटा इसे आप पढ़ सकते हैं, स्टॉलिंग कैपेसिटी 5780 मेगावाट यूज होता है अभी भी, 7 जगह हैं जो इंडिया में यूज होता है, ठीक है। 7 नाम दे रखे हैं, आप नाम देख सकते हैं क्या है। सबसे पहले क्या है, उत्तर प्रदेश में, फिर राजस्थान में, फिर महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में, फिर तमिलनाडु में, फिर तमिलनाडु में, फिर कर्नाटक में, फिर तमिलनाडु में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, आपके यहाँ पे नाम दे रखे हैं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन आप पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना है तो। ऑन द फिगर भी आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पढ़ा है, ठीक है। आप इस न्यूक्लियस पावर प्लांट की फिगर को देख सकते हैं कहाँ कहाँ पढ़ा है, हमारे दिल्ली में तो कोई भी नहीं है, ठीक है। तो एडवांटेज क्या होता है, लो ग्रीन हाउस गैस इमिशन। अब इसमें क्या है कि एडवांटेज, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो उसमें एडवांटेज क्या, फ़ायदा क्या है, लो ग्रीन हाउस गैस इमिशन का मतलब क्या है कि वो ग्रीन हाउस के ऊपर इफेक्ट नहीं करता उतना, ओके। पावरफुल इफिशेंसी क्या होती है, हाई होती है। रिलायबिलिटी क्या होती है, हाई होती है। चीपेस्ट इलेक्ट्रिसिटी होती है, मतलब कि जो एनर्जी इतनी ज़्यादा रिलीज होती है ना कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो चीपेस्ट मतलब सस्ता पड़ता है। लो फ्यूल कॉस्ट होता है, जो फ्यूल है उसका जो कॉस्ट है वो लो है। इजी ट्रांसपोर्शन है, यानी उसे इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, ओके। डिसएडवांटेज क्या है कि रेडिएक्टिव वेस्ट है, यानी उसका जो रेडिएशन है अगर वो किसी इंसान के ऊपर पड़ा तो इंसान ख़त्म ही हो जाएगा इन फ्यूचर। न्यूक्लियस एक्सीडेंट मतलब ये बॉम्ब की तरह भी काम कर सकता है, तो न्यूक्लियस एक्सीडेंट हो सकता है, जैसे कि क्या है कि बॉम्ब की तरह वर्क कर सकता है। हाई कॉस्ट होता है, आपको पता है कि जो इंटीरियल कॉस्ट होता है वेरी हाई होता है, बिकॉज ये जो इसके से मतलब इसे इंस्टॉल करना, इसके जो इक्विपमेंट होता है, सेपरेटिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बहुत महंगे होते हैं। मेजर इफेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, इस जो इंसान के ऊपर ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट डाल सकता है, इसलिए इसका यूज बहुत कम से कम होता है। देखो अगर अगर हमने इन चीज़ों पर फोकस नहीं किया तो जो रिजल्ट होगा कुछ ऐसा मिलेगा, यानी परमाणु बॉम्ब की तरह वर्क कर सकता है ये, तो इसलिए इसका यूज बहुत कम से कम किया जाता है। इन फ्यूचर भी ये बहुत ही नुकसानदायक है, ठीक है, तो इसलिए इसका जो यूज है वो कम से कम किया जाता है, क्योंकि इससे बहुत ही नुकसान होता है, ओके। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में जाके, और थोड़ा रिव्यू करोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा।